और अब वक्त है आर पार का। आर पार में आज एक ही बड़ा सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में कानून ने अपना काम किया जब 3 दिनों तक दंगाई वहां पर दंगा करते रहे, लोगों के घर मकान और दुकान जलाते रहे। आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पहले हेडलाइंस। सीमा विवाद के बीच चीन ने एक और चाल चलते हुए G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात से इंकार किया। पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए 44 भारतीय सैनिकों को हैफा में पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 3 ट्रक पत्थर और मंगवा लिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बसिरहाट हिंसा रोकने के लिए भेजी गई केंद्र की अतिरिक्त 4 सीआरपीएफ कंपनियों को लेने से साफ इंकार किया। आर पार में देखिए सबसे बड़ी बहस अब से कुछ मिनटों में इसी मुद्दे पर लाइव। मारे गए आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में पुलवामा में जगह जगह पोस्टर लगाए। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज, शुद्ध खाइए स्वस्थ रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का बेहद जबरदस्त एडिशन इस समय लाइव। क्या किसी राज्य में दंगाइयों को छूट दी जा सकती है और वो भी खुली छूट, पूरा डिस्काउंट? क्या कोई सरकार 3 दिन तक हाथ पर हाथ रखकर दंगे होते हुए देख सकती है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुलकर ये आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने बशीरहाट में जानबूझकर दंगा होने दिया, दंगाइयों को खुली छूट दी। 3 दिन तक ममता बनर्जी उनकी सरकार चुपचाप बैठी रही। क्या ममता इसलिए चुप थी ताकि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए? देश में एक जगह दंगा होता है तो हर तरफ से सियासत भी शुरू हो जाती है। कोई वोट बैंक साधने में जुट जाता है तो कोई अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगता है। इसलिए आज चार पार में हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या आखिर ममता राज में कब तक होता रहेगा हिंदू मुसलमान? और इसी मुद्दे पर होगा आज जोरदार आर पार, क्योंकि सबको मिलना चाहिए बराबर का हक। बसीरहाट हिंसा में घायल 70 साल के बुजुर्ग कार्तिक घोष की मौत। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोर्ट बंद, ये ममता राज में हुई हिंसा के निशान हैं। और अब तो विरोधी खुलकर ममता से ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके राज में हिंदू होना गुनाह है। क्या ऐसा हो गया क्या कि हम हिंदू हैं, पश्चिम बंगाल में पैदा होके हम गलत कर दिए क्या? अब जितना भी चाहो उसको मिनी बांग्लादेश बना दो, अभी बने नहीं है, बन नहीं सकेंगे वो। 3 दिन तक सुलगने के बाद बसीरहाट में हालात काबू में तो आ गए, लेकिन सवाल है कि आखिर 3 दिनों तक पुलिस निकम्मी क्यों बनी रही और क्या बसीरहाट की हिंसा के पीछे वोट बैंक की सियासत है? असल में ममता जो बनर्जी है ना, वो कुछ उसमें पागलपन सवार हो गया है, बहुमत के कारण से उसमें पागलपन आ गया है, देख नहीं रही है कि वहां की स्थिति क्या है, एक और को खुली छूट देकर रखी है। वैसे हर कोई अपनी अपनी सुविधा की सियासत में जुटा है। कई राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पश्चिमी बंगाल से भी खराब है। अब समूचा मध्य प्रदेश किसान आंदोलन की लपेट में था, जिसमें 6 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। सवाल ये भी है कि आखिर दंगाइयों को छूट कब तक मिलती रहेगी? 12 दिसंबर 2016 कोलकाता के पास घुलागढ़ में हिंसा, 100 से ज्यादा मकान और दुकान आग के हवाले कर दिए गए। जनवरी 2016 मालदा के कालियाचक में मुस्लिम संगठन की रैली के दौरान हिंसा। अक्टूबर 2016 मुहर्रम और दशहरा पर कई इलाकों में सांप्रदायिक घटनाएं। अक्टूबर 2013 मालदा के कालियाचक में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा।
और इन सब के बीच ममता बनर्जी गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। सुलगते बंगाल पर सियासत का ये खेल कब तक चलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जिस विश्लेषण का इस देश की जनता को इंतजार होता है, उस विश्लेषण में हम आपको बताते हैं कि 3 दिन तक दंगाइयों को मिलती रही पूरी खुली छूट, उन्होंने मकान दुकान सब चलाए हैं। एक 17 साल के बच्चे की फेसबुक पोस्ट पर उसकी फांसी तक की डिमांड हो रही। बंगाल जलता रहा, ममता बनर्जी राज्यपाल से झगड़ती रही। बंगाल पर भारी पड़ रही है असल में वोट बैंक की सियासत, क्योंकि बंगाल में 25% मुसलमान है और बाकी 75% के करीब हिंदू है। तो ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक की सियासत में ममता बनर्जी इस समय फंसी हुई है। उसके बाद हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी फायदे की एक बड़ी नीयत भी दिखाई देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर अनिल बलूनी है जो कि मीडिया चीफ है, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अजय गौतम जुड़े हैं, फाउंडर हम हिंदू के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं इस डिबेट के अंदर, जो कि फिल्म निर्माता हैं और इस विषय पर लगातार अपनी राय रखते हुए आए हैं। मेरे साथ फहीम बेग हैं जो कि मुस्लिम चिंतक हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर टीएमसी के बड़े नेता हैं खालिद इबादुल्ला साहब, आपका भी स्वागत है। मैं खालिद आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं और मैं बहुत सीधा और सरल सवाल आपके समक्ष रखता हूं। रूपा गांगुली ने एक इंटरव्यू में यह बहुत सीधा कहा कि बंगाल में हिंदू होना गुनाह है, क्या कहते हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता है कि ये रूपा गांगुली जो आज ये सब भाषा बोल रही है, उनको ये समझना चाहिए कि पहले ये हिंदू मुसलमान की बातें कर रही हैं, उनको तो पहले हिंदुस्तानी की बातें करना चाहिए। हम पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानी हैं और जहाँ पे हम बंगाल में अगर रहते हैं तो ये मेरा बंगाली देश है, ये इसमें हम बंगाली पहले हैं। कहाँ से हिंदू मुसलमान आ रहा है? मैं जानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान बन के अगर आप रहते हैं, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं साहब, बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, बहुत सुंदर आपने बात की कि इंसानियत जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन आप मुझे बताइए, इंसानियत को ताक पे रखा गया नहीं रखा गया? 24 परगनाज में इंसानियत को ताक पे रखा गया कि नहीं रखा गया? भूल जाइए जिनके आग जले वो किस धर्म के थे, भूल जाइए किस धर्म के लोगों ने उनके घरों पे आग लगाई, लेकिन वहां पर इंसानियत को ताक पर नहीं रखा गया कानून द्वारा? मैं इसी बात पे करना चाहता हूं। बताइए, मैं इसी बात पे बात कहां था आपका कानून? क्यों 3 दिन तक आप आपकी सरकार चुपचाप बैठे रहे? इंसान अगर कानून अगर दखलअंदाजी नहीं करता तो वहां पे कई घरों को आग लगाने की बात होती है। जब आपने कहते हैं कि घरों को आग लगाया जा रहा है, तो मैं उसी तरह से कहना चाहता हूं कि हर वो दंगाई चाहते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं मेरे अनिस साहब कि आपको ये बात सुननी होगी, मेरी बात सुननी होगी कि कल बीजेपी के अध्यक्ष, जो बंगाल के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि बंगाल में बांग्लादेशी को यहां से भेजा जा रहा है, सिमी के लोग यहां पे आ रहे हैं। मेरी बात सुनो पहले, मैं बांग्लादेशी को यहां पे भेजा जा रहा है दंगाइयों को साथ दंगा करने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश आने से पहले बॉर्डर में कौन है? आपके सरकार के सेंट्रल फोर्स है, तब आप ही लोग ये कर रहे हैं कि आप अपने ही देश में दंगाई करने का मौका दे रहे हैं। अनिल बालूनी, ये बंगाल का मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय आज निरीक्षण करने के लिए उधर गए हैं, वहां पर भी कैलाश विजयवर्गीय के सामने टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। और तो और, रूपा गांगुली बीजेपी की सांसद कह रही है कि मिनी बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। व्हाट इज योर टेक अनिल बालूनी? गो एट 30 सेकंड्स फॉर यू अनिल बालूनी। देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले तो जो टीएमसी के नेता जिन्होंने जिस तरह से बात शुरू की वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि इंसानियत की बात कीजिए, लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। आज कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को भी आपने नहीं बैठाया है, मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपके टीवी के माध्यम से कांग्रेस, विपक्ष, लेफ्ट के जितने भी लोग हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला कोई राज्य होता और वहाँ इस तरह से दंगाई 3 दिन तक लगातार एक धर्म विशेष के लोगों को मार काट रहे होते, उनको लूट खसोट रहे होते, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से, सुनिए, अरे सुनिए,
बिल्कुल बिल्कुल अभी रुक जाइए आपको। अरे बोलने दीजिए ना, देखिए भाई खाली जी, आप वरिष्ठ आदमी है, बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए ना, 30 सेकंड तो बोलने देंगे ना। देखिए आपने 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 बंगाल में जिस तरह की अराजकता फैलाई है, इस डिबेट में ऐसी अराजकता मत फैलाइए। मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलूंगा और आप भी मेरे कृपया मेरे बीच में ना बोले कि क्या अमीश जी, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में इस तरह से तीन तीन चार चार दिन तक अराजकता हो रही होती तो ये क्या करते? क्या अवार्ड वेप्सी गैंग अभी तक दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं बैठ गया होता? क्या अभी तक तमाम दुनिया भर के नारेबाजी शुरू नहीं कर दी होती? क्या असहिष्णुता की बात शुरू नहीं कर दी होती? लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनिंदा है, ये सिलेक्टिव तरीके से चीजों को उठाते हैं। आज पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके का माहौल है आप अमीश जी देखिए। मैं एक नहीं, मैं 10 उदाहरण आपको दे सकता हूं कि कब हनुमान जयंती के दिन लाठी चार्ज किया जाता है, कब रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है, कब मकर संक्रांति के दिन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको एक नहीं 50 उदाहरण दूंगा। खालिद जवाब कि जब इनमें त्यौहार होते हैं इस तरह का क्यों करते हैं वहां? मैं उनको कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। हम पूजा भी, पूजे के दौरान में दुर्गा पूजा में भी एक साथ हम लोग घूमते हैं, काली पूजा में भी हम लोग एक साथ घूमते हैं, यहाँ पे जो आप हनुमान जयंती की बात करते हैं उसमें भी एक साथ घूमते हैं, रथ यात्रा होता है तो रथ के रात का नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं रोक सकता, ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में हिंदू मुसलमान साथ में रहते, तभी आपने तारकेश्वर मंदिर हिंदू मुसलमान को लड़ा के रखा, तारकेश्वर मंदिर का हेड भी एक मुसलमान को लड़ा दिया, लेकिन किस मस्जिद का हेड आपने हिंदू को बनाया है? आपके पास आपको मालूम नहीं है तारकेश्वर हेड का? वो तारकेश्वर हेड का मुसलमान, तारसेरवर का हेड का नहीं, वो गवर्नमेंट एक नॉमिनिटी होता है उसमें आके वो बने। आपको ये मालूम होना चाहिए। मैं अब इस डिबेट के अंदर रुक करता हूं। मुस्लिम चिंतक मेरे साथ बैठे हुए हैं, फहीम बेग साहब। मैं फहीम बेग आपके पास आता हूं और एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या उस 17 साल के बच्चे को फांसी दे देनी चाहिए जिसने फेसबुक पे ऐसा पोस्ट लिखा? क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो जो हिंसा वहां हुई है उसमें नुकसान दोनों ही तरफ का है, और बल्कि मैं कहूंगा हिंदुस्तानियों का है, और किसी की जान भी गई है तो वो हिंदुस्तानी मरा है। तो निंदा और उसका क्रोध आप बिल्कुल मेरे चेहरे पे, मेरे शब्दों में देख सकते हैं। जो भी वहाँ पे हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मेरे देश के सीने पर इससे ज्यादा दाग लग चुके हैं, अब हमारा देश इस काबिल नहीं कि इस तरह के दाग हम झेल सकें। मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो कि बहुत सीधा था, दैट वाज द स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, कि उस 17 साल के बच्चे को फांसी होनी चाहिए? मैं आ रहा हूँ, बताइए ना इस सवाल का। हाँ बताइए, आप सुन तो लीजिए। इस पूरे सीन में वो 17 साल का बच्चा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश, एक सोच है। वो 17 साल का बच्चा आरएसएस का संघी और रोजाना शाखा अटेंड करने वाला है श्रीमान। अच्छा, जी अच्छा एक बात बताइए, ठीक है ठीक है, आपकी बात, आप मुझे बताइए, आप खुद फेसबुक और ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं आप? नहीं नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं, फहीम बेग, आप खुद सोशल मीडिया पे हैं आप? सुनिए, सोशल मीडिया पे हैं आप? फहीम बेग है कि नहीं है? आप खुद हैं सोशल मीडिया पे? हाँ हूँ मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी होंगे, ट्विटर भी होंगे, रोज आप तमाम चैनल्स पे डिबेट पे बैठते हैं, आप पे प्रतिक्रिया भी आती होगी, कुछ लोग खराब और कुछ लोग अच्छा भी लिखते होंगे, बिल्कुल, कुछ लोग धमकी भी देते होंगे। जी 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 जी, तो क्या आपको लगता है वो सब कुछ आरएसएस और बीजेपी कराती है? और ये अनिल बलूनी भी फेसबुक और ट्विटर पर है, ये भी सोशल मीडिया में है, क्या आपको लगता है कि इनको भी जो डेली गाली पड़ती है या फिर लोग तारीफ लिखते हैं या इनकी निंदा लिखते हैं या इनको धमकी देते हैं, क्या वो लोग आपके द्वारा प्रोपोगेट होते हैं? क्या इस मुल्क के अंदर ये स्कूल चल रहे हैं ट्विटर और फेसबुक पर लोगों को गालियां देने के? क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मुझे आपके ही चैनल पर आरएसएस के बहुत बड़े प्रवक्ता ने ये धमकी दी कि अगर मैं अपनी जबान बंद नहीं करूंगा तो बजरंग दल के लोग मेरे घर पे आ जाएंगे। ओके, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं खुली चुनौती मिलती है, ठीक है। पंडित अजय गौतम ब्रेक पे जाने पर उस जी जी पंडित अजय गौतम उस बच्चे को, जो भी वो है, बच्चा है, नौजवान है, जो भी है, जो देश का कानून है वो उसके हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जायज बात कह रहे हैं। देश का कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है
उससे अगर मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसे मैक्सिमम सजा 3 साल की मिलती है अंडर द जुनाइल एक्ट, जो निर्भया केस के अंदर हुआ था, जो उसके अंदर एक जो सबसे हीनियस जिसने क्राइम कमिट किया था वो इसलिए बच गया। कानून की बात बता रहा हूँ, फांसी सर फांसी नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जुनाइल एक्ट है, जुनाइल अगर कानून पे, अब देखिए फहीम साहब मैंने आपको सुना था, मेरे को बोलने दीजिए, मैं एक्ट की बात बता रहा हूँ। जुनाइल एक्ट में अगर 18 साल से कम ने फेसबुक पोस्ट डाली है, कुछ भी लिखा है, उसकी मैक्सिमम सजा 3 साल की है। आपका जवाब देने का दे, मैं सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ जो भी कुछ ममता दीदी और मुमताज दीदी वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ कर रही हैं, वो वास्तव में एक ऐसी स्थिति आ गई है इस देश के अंदर, जो त्रिपुरा के गवर्नर थे तथागत राय, जो उन्होंने कहा कि आज इस देश में इस ये जो देश है धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे आप बताइए सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड स्टेट कैन नॉट डिनाई टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स। मुझे एक आप बताइए, आपने इमाम को 2500 रुपये सैलरी दी सरकारी खजाने से, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। आपने रामनवमी के जुलूस पे पाबंदी लगाई, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। आपने हनुमान जयंती पे वो लगाया, स्टे लगाया, हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि आप ये जो अपीजमेंट कर रहे हो, मुमताज दीदी बिल्कुल वही काम कर रही है जो इंदिरा गांधी ने कभी अकाली को खत्म करने के लिए भिंडर वाले को किया था, और कभी भिंडर वाले को खड़ा किया था, और भिंडर वाला ने के रूप में रिजल्ट इस देश ने क्या भुगता सब जानते हैं। हिंदुओं के साथ में इस तरीके का जो तुष्टिकरण हो रहा है, हिंदुओं के साथ में जो इस तरीके का तुष्टिकरण हो रहा है, कल को आज मैं पूछता हूँ अवार्ड वापसी गैंग से, वो सेक्युलर गैंग से जिन्होंने नॉट इन माई नेम को जंतर मंतर से लेकर लाहौर और लंदन तक ले गए थे, आज मुझे बताइए 3 दिन से मालदा हो, पुरलिया हो, 24 परगना हो, ये जो जल रहे हैं राज्य, यहाँ पर हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आज नॉट इन माई नेम पर क्यों नहीं लोग खड़े हुए जंतर मंतर पर जाकर? आज क्यों नहीं है लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे? अवार्ड वापसी गैंग वाले कहाँ जाकर सो गए बता तो दो भैया, क्या हिंदुओं की जान की इस देश में कोई कीमत नहीं बची? गौतम जी आप चुप होंगे तो मैं अपनी बात रखूं? रखिए अनिल जी, मैं आपको बेसिक बात बता दूं, जिस तरह विदेशों में ISIS मासूम बच्चों के जरिए लोगों के गले कटवा रहा है, RSS उसी संस्करण में, भारतीय संस्करण में, उसने मासूम बच्चों का इस्तेमाल इस देश में आग लगाने के लिए करना शुरू कर दिया। क्रिटिसाइज करना, किसी से डिसएग्री करना मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ आई कमिट एनी क्राइम देन आई विल बी प्रोसीक्यूट अंडर द लॉ ऑफ लैंड। You are nobody to prosecute me and you demand to hang me in a lamp post in a public area. शरीयत का कानून फैसला इस देश में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। सुनिए श्रीमान, इन मासूम बच्चों को जिस काम पे लगा रहे अनिल बलूनी की रिएक्ट करना चाहते हैं। अनिल बलूनी आरएसएस के इस एजेंडे के पीछे, अनिल बलूनी आरएसएस के इस एजेंडे के पीछे, नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, अगर आप ISIS के साथ आप आरएसएस को कंपेयर करेंगे तो ये गलत है। ISIS के साथ आप आरएसएस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अनिल बलूनी ऐसे कैसे? देखिए अमित जी, ऐसा है कि अभी भारतीय संस्करण है, कल्चरल विंग है, RSS का कोई आदमी बम फोड़ने में शामिल नहीं है, RSS का कोई आदमी में अजय गौतम विराम लगाइए अपनी बात, ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ये संस्कृति है मेरे देश की, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है। अनिल बलूनी यू रिएक्ट, अनिल बलूनी यू रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों को जानवर के नाम पे मारना, लोगों के घरों को आग लगाना, वो सब तो पकड़े गए सर, वो सब तो पकड़े गए। पश्चिम बंगाल में किसको अरेस्ट किया? मैं अनिल बलूनी आपकी बात के बाद आता हूं। पश्चिम बंगाल में ओके, विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, ओके विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री ऑन स्क्रीन। अनिल बलूनी साहब, मेरे नहीं, मेरे संगठन के लिए कहा गया, मुझे जवाब देना पड़ेगा। अनिल बलूनी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अमीश जी, मेरे संगठन के लिए अगर कुछ कहा जाएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा बीच में, कैसे नहीं। देखिए जो फहीम बेग एक स्कॉलर अपने बैठाए हैं, ये स्कॉलर विस्कॉलर कुछ नहीं, इनको कुछ जानकारी नहीं है संगठन आरएसएस के कामकाज के बारे में, मैं कभी भी जानकारी दे सकता हूं। लेकिन ये जो फहीम बेग बैठे हैं, ये ISIS की बात कर रहे हैं, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, मैंने सुना है इनको, ये रोज आतंकवादियों का समर्थन करते हैं,
ये अलगाववादियों का समर्थन करते हैं और ये आप बात कर रहे हैं आरएसएस की, रोज आतंकवादियों का सहयोग करने वाला फहीम बेग तुम आतंकवादी हो क्या? आतंकवादी पैदा कर रहे हैं आप, आतंकवादी हो क्या? नौजवानों रोज समर्थन करते हो, खून में जहर भर रहे हैं, रात को रोते हुए देखा है हमने आपको, आतंकवादी पैदा कर रहे हो, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए आतंकवादियों की फांसी में रोते हुए देखा है हमने आपको। अरे आप कौन हो जो आतंकवादियों का समर्थन करते हो, दंगाइयों का समर्थन करते हो, कौन है आप? छोटा सा अंतराल ले रहा हूँ, लेकिन ये डिबेट अब आगे बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ कि फेसबुक और ट्विटर पर आपका जबरदस्त रिएक्शन जो मुझे मिल रहा है वो मिलता रहा है और आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम सीधी बात करेंगे बॉलीवुड से, बॉलीवुड इस पर क्या सोच रहा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर अनिल बलूनी है, अजय गौतम है, खालिद अब्दुल्ला है नेता टीएमसी के, फहीम बेग है मेरे साथ इस डिबेट के अंदर और विवेक अग्निहोत्री है फिल्म निर्माता। मैं सीधा इस डिबेट की शुरुआत, इस दौर की शुरुआत विवेक अग्निहोत्री से करता हूँ। अग्निहोत्री साहब माफी, आपके पास मैं काफी देर बाद आ रहा हूँ, लेकिन पहला सवाल आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी तक आपको इस पूरे मुद्दे के ऊपर कहीं अवार्ड वापसी वाले कुछ लोग दिखे जो अवार्ड वापस कर रहे हैं? कहीं आपको दिखे वो लोग जिनको ये नजर आ रहा था नॉट इन माई नेम, यानी इस मुल्क के अंदर सिर्फ लिंचिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा? बंगाल पे चुप क्यों है? मैंने आज ट्वीट भी किया था कि इतनी शांति क्यों, इतना सन्नाटा क्यों है? जो लोग बिना, जैसी न्यूज आई कि एक सीट को लेके विवाद हुआ और एक लड़के की हत्या हुई है, सब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि इट्स अ लिंचिंग एंड इट्स अ कम्युनल लिंचिंग। लेकिन मैं वेस्ट बंगाल में, मुझे आश्चर्य है कि इतने सालों से ये चल रहा है और ये हादसा तो एक ही है, मैंने अपनी आंखों से दो हादसे देखे हैं। मैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप लास्ट ईयर में मुझे एक फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाया था जहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए फंक्शन था और वहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग हैं तो ये क्या कोई हिंदू सभा का फंक्शन है? दे सर, नहीं सर, ये एक पेट्रियाटिक फंक्शन है, पर प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लोग इसका इसलिए बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि फ्रीडम से रिलेटेड है और इसको लीड कर रहे हैं टीएमसी के लीडर्स। जिस स्टेट में फ्रीडम को ही बॉयकॉट किया जाता हो तो सोचिए एक 17 साल के लड़के की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वहां पे क्या औकात हो सकती है? इल्जाम नहीं, मैं सच बात बता रहा हूं। देखिए फहीम बेग बोलने दीजिए ना, दिखाने इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है ना था और वहां पे मुझ पे फिजिकल अटैक किया गया। मैं ऐसे कैसे सुन लूं? मुझ पे फिजिकल अटैक किया गया। आप टीएमसी के नेता है क्या? आप टीएमसी के नेता है क्या? टीएमसी के नेता नहीं रिएक्ट कर रहे, आप उनसे भी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक और वर्ग विशेष के बारे में बात कही, एक भी स्टेप नहीं उठाया उसके। अब अग्निहोत्री साहब, इन्होंने एक वर्ग विशेष के बारे में बात कही है, मैं पर बात नहीं की। देखिए सच, इनकी बात से सहमत नहीं हूं। देखिए सच को छुपाने का काम इंटेलेक्चुअल्स का है, मेरा नहीं है। सच को छुपाने का काम मीडिया का है, मेरा नहीं है। सच को छुपाने का काम पॉलिटिशियंस का है, मेरा नहीं है। तो जनाब आप ये तो फिल्म नहीं बात है, मैं पॉलिटिक्स में हूं नहीं इसलिए मैं सच बोल सकता हूं। आपकी मजबूरी ये है कि आप कम्युनल टाइप के आदमी हैं, आप एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, मैं रुक करता हूं टीएमसी के नेता का। मैं खालिद, आप चाहता हूं आप इसका जवाब दें। खालिद, हिंदुस्तानियों के बारे में बात कर रहा हूं। अरे रुकिए ना फहीम बेग, अरे फहीम बेग अभी आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं बने हैं। तो जाकिर नाइक के बारे में बात करते हो, आप चेंज करते हैं क्या? आप हमेशा जाकिर नाइक को सपोर्ट करते हो जो आतंकवादी बनाने की। एक सेकंड, अजय गौतम नॉट फेयर। अजय गौतम आपका वहां प्रिय, अजय गौतम नॉट फेयर। जाकिर नाइक का समर्थक है, आप सपोर्ट करते हो, साधी प्रज्ञा को करते हो, बाबू बजरंगी को करते हो, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को चाहता हूँ कि वो आप रिएक्ट करें। ओके फाइन बैक, योर ऑडियो इज ऑफ राइट नाउ, बताइए। देखिए खालिद बताइए, मैं दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि नफरत के बीच को बोना बंद करें, मोहब्बत की पैगाम को लेकर चले। और मैं तो यही कहना चाहता हूं मेरे बीजेपी के मित्रों से और आरएसएस वालों से कि नफरत की, ये बीजेपी और आरएसएस के वाले फिल्म के नेता बोल रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री बोल रहे हैं, मैं मोहब्बत के बीजेपी और आरएसएस को, आप बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, मैं आपसे कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं आप? अग्निहोत्री साहब, शाखा
आप भी लगता है कि अग्निहोत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप भी धर्म के नाम से मुसलमान हिंदू को बांटने लगे। आप तो एक बड़े फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले हैं, आप भी मुसलमान को बांट रहे। मैं ऐसा यकीन नहीं करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत को, मोहब्बत की पैगाम को लेकर चले, मेरी बात सुने, मोहब्बत की पैगाम को लेकर चले, मोहब्बत के पैगाम को लेके चले, मैं आपके साथ दूंगा। और पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, ना हिंदू का होना चाहिए ना मुसलमान का पैगाम होना चाहिए। मैं तो आपके छोटे भाई की तरह रहना चाहता हूँ देश में। चलिए, हमारे बड़े साल, भाई लोग आगे बढ़े, मोहब्बत का पैगाम दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फंक्शन में आने वाला हूँ, आप आएंगे वहां पे जरूर। मोहब्बत के पैगंबर आप पैगाम की जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, मैं इस साल 15 अगस्त को आऊंगा फ्रीडम फाइटर्स के फंक्शन में, आप आएंगे उसमें? बिल्कुल मैं आऊंगा, बिल्कुल। मैं हिंदुस्तान से फ्रीडम के बारे में जब बात करते हैं, हिंदुस्तान के फ्रीडम के, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी के होने नाते जहां अगर फ्रीडम की बात आती है, फ्रीडम लोगों की बात आती है, तो मैं आपके साथ साना बसाना अनिल बलूनी आप हिंदुस्तानी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी बंगाल में नारे लग रहे हैं आर्यन गो बैक, आर्यन गो बैक। वो वीडियो भी तो आप ही के लोगों ने अपलोड करा है खालिद साहब, इसके अंदर लिखा हुआ है आर्यन गो बैक। इस बंगाल में ममता बनर्जी जैसी, मुझे बताइए आर्यन गो बैक के नारे आपके स्टेट में लगे नहीं लगे? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसको शूट किया नहीं किया, फेसबुक पे अपलोड किया नहीं किया? आर्यन गो बैक, अरे भैया आर्यन कहाँ जाएंगे? आर्यन का तो देश है, अब जाएंगे वो लोग इस देश से जिन्हें आर्यन से दिक्कत है। आपके राज में इस बात को दिमाग में जितना जल्दी बिठा लेंगे उतना आप लोगों को एडजस्ट करने में आसानी रहेगी, लेने में जहाँ भी आप लोग जाना चाहते हैं। आर्यन गो बैक के नारे आप ही के लग रहे हैं, आर्यन गो बैक के नारे आप ही के लग रहे हैं, किसी और स्टेट में नहीं लग रहे। इमाम को 2,500 रूपए सरकारी खजाने से आप यहाँ दिए जा रहे हैं, मुतवल्ली को 1,500 रूपए महीने आप यहाँ से बनी देके दिए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लेकर अनिल बलूनी, मैं तो समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर नेत्री है, अगर कोई सेकुलर नेता है, अरे किस बात सेकुलर की बात करते हो? देखिए देखिए, आप मुझे बताइए, हनुमान जयंती नहीं बनाने दी जाती? हनुमान भक्तों के ऊपर लाठी चार्ज होता है? होता है नहीं होता है? आप मुझे बताइए, आपको कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण बंद करिए, कहता है नहीं कहता है? किसने बोला? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला नहीं बोला ममता बनर्जी सरकार को? ये सच्चाई है झूठ है? अनिल बलूनी आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। अगर मैं अजीब सी बातें कर रहा हूं, आप आके देखें कि किस तरह का कल्चर है। कल्चर यह है कि हिंदू को भी अपनी अपनी फ्रीडम है, मुसलमान को भी है, और ये देश ऐसी देश है, ये ऐसी प्रदेश है जो हिंदू और मुसलमान मिलकर चलते हैं। मुसलमान लोग करके बोले अमीश जी, देखिए अमीश जी, देखिए जो टीएमसी के प्रवक्ता खालिद जी आए हैं, ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो ममता बनर्जी वो इनकी बात जो ये कह रहे हैं वो करती नहीं है। ममता बनर्जी हिंदुओं के घर 3 दिन तक जलते रहे 24 परगना में, और कोई प्रशासन ने कदम नहीं उठाया। मालदा में यही होता है, बसीरहाट में यही होता है, सब जगह यही हो रहा है, और आप कदम नहीं उठा रहे। पहले रुकिए भैया, अरे सुनिए भैया, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, अरे आप इतना बोल के क्या करोगे? दंगा काबू करने की बातें बोल रहे हो? अरे घर सबके घर जलाने में लगे और ये बातें कर रहे हो? आप सुनिए पहले, और अमीश जी आप दंगाई हो, आप जलाते हो, दंगाई हम है, घर हिंदुओं में जला रहे हो, आप लोग जला रहे हो, पूरी ममता बनर्जी की सरकार लगी है जलाने में, ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंके हुए और हम जला रहे हैं, और आपके अध्यक्ष शर्म नहीं आती आप लोगों को? बांग्लादेश से सीधी को भाई, सुनिए अमीश जी, इनका तो वॉल्यूम डाउन कीजिए पहले। ओके देखिए, टीएमसी के अमीश जी देखिए, ऐसे नहीं अमीश जी देखिए, अच्छा मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, चिंता मत कीजिएगा, अब चिंता मत कीजिए, आपके बारे में नहीं कह रहा, अब मैं फहीम बेग के बारे में बताता हूँ, आपके दर्शक तय करें। जब जाकिर नायक जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, उसके समर्थन में ये फहीम बेग दिख रहे थे,
अगर जब याकूब मेमन को फांसी मिल रही थी उसके समर्थन में ये बोल रहे थे, जब अफजल गुरु को फांसी में चला रहे थे तब उसके समर्थन में बोल रहे थे, तो भैया कैसे मुस्लिम स्कॉलर हो कि जब आतंकवादियों को फांसी में चलाने लगते हैं उस वक्त आप समर्थन में खड़े हो जाते हो। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके दर्शक तय करें अमीश जी, जब कोई छोटी सी घटना होती है तो राहुल गांधी आ जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश में छोटी सी भी घटना होती है केजरीवाल आ जाते हैं, तमाम नेता वहां पहुंच जाते हैं, अवार्ड वापसी पहुंच जाता है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या राहुल गांधी जाएंगे वहां? क्या राहुल गांधी क्यों चुप्पी साध रखी है? ओके फहीम बेग जवाब, फहीम बेग जवाब, आप पे कई सारे आरोप लगे हैं। अनिल जी मैं जवाब दूंगा मगर मुझे उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, नमाज पढ़नी है मुझे, मैं अपना जवाब दे देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाकिर नायक का, याकूब मेमन का, मैं ना याकूब मेमन के साथ खड़ा था ना मैं अफजल गुरु के साथ खड़ा था। जाकिर नायक जब तक आरोपी नहीं थे तब सारे आतंकवादियों का समर्थन करते हो आप आतंकवादियों का समर्थन करते हो आप जाकिर नायक के समर्थक हो? अब ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप याकूब मेमन के समर्थक हो? जाकिर नायक आरोपी नहीं थे जब तक मैंने सपोर्ट बोला कि उनको जाकिर नायक को मौका मिलना चाहिए। इस देश में क्या कर रहे हो पाकिस्तान? आप आतंकवादी पैदा करते हैं। अरे जब आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान की बात यह है कि अब आप छोटे छोटे आतंकवादी जिस तरह आईएसआईएस मासूम बच्चों को जहर उनके खून में भर रहा है, अब आरएसएस और आपके गुनाहगार हो इस देश के करने लगे, आप शहीदों के गुनाहगार हो, आप आतंकवादी पैदा करते हैं, आप देश के शहीदों के गुनाहगार हो, आप साध्वी प्रज्ञा को जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, रहने से यहाँ रहने के लायक नहीं है, करते हैं आप बाबू बजरंगी को, ठीक है आप यही कहते हो बाबू बजरंगी पे डिबेट अटकी रहे, लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है सर्वदलीय जो दल होता है वो क्यों नहीं जा रहा बंगाल तक, ये बात समझ में नहीं आई। राहुल गांधी भी यहाँ पर है, राहुल गांधी भी जा सकते हैं, नहीं जा रहे, ऐसी क्यों बात है? क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, इस एक सवाल मन में खड़ा होता है। दूसरी चीज बड़ी ये है कि आखिरकार पुरानी बात है कि रोम जल रहा था और नीरो जो था वो चैन की बांसुरी बजा रहा, बंगाल जल रहा था 3 दिन तक, वहाँ ये आगजनी होती रही लेकिन ममता बनर्जी कुछ नहीं, और अब उन्होंने CRPF की 4 टुकड़ियाँ जो केंद्र सरकार भेज रही थी उसको भी मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आरपार और आरपार में मेरे साथ अनिल बलूनी, अजय गौतम, उसके साथ साथ टीएमसी के प्रवक्ता खालिद इबादुल्ला और फहीम बेग बने हुए हैं। फहीम बेग, ब्रेक से पहले आपने बार बार एक ही बात को कहा, आपने कहा कि आरएसएस जो है वो आईएसआईएस के बराबर का संगठन है, आपको शायद मुझे लगता है पता होगा आईएसआईएस क्या करता है, आपको मुझे लगता है पता होगा कि आईएसआईएस की काम क्या है, आईएसआईएस से मिलते हैं इसलिए ऐसा सोच रहे हैं ना, आईएसआईएस का करता है, उसके बाद ही आप ऐसा बयान दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर, आईएसआई के समर्थक वाले ही लोग हैं भाई जी, लेकिन मैंने आपका कोई बयान नहीं सुना, मैंने आपका कोई बयान नहीं सुना जब बीरभूम के अंदर एक गांव में 300 हिंदू परिवार नहीं कर पाए थे दुर्गा पूजा, गांव के 25 मुस्लिम परिवारों की आपत्ति के चलते नहीं हो रही थी दुर्गा पूजा, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा की अनुमति दी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। अभी तो आप बहुत देश को जोड़ने की बातें कर रहे थे, क्या आपको नहीं लग रहा था वो गलत हो रहा था तब? बिल्कुल, देखिए आरएसएस आपको आईएसआईएस के बराबर दिखती है, वो मुसलमान करे या हिंदू करे या सिख या ईसाई करे जी, वो कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करता है, संविधान से ऊपर होकर बात करता है, तो वो उसको कभी भी मान्यता इस देश में नहीं मिलेगी, चाहे वो आईएसआईएस हो या बरकती हो या ओवैसी हो। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जो संविधान से ऊपर होकर बात करेगा उसका इस देश में ना कोई सुनने वाला है ना कोई मानने वाला है। और मैं एक बात बता दूं, ये एक बिसात बिछाई जा रही है, अभी तो हमें बंगाल में बहुत कुछ देखना बाकी है, यहां अभी एक लाश गिरी है, बहुत सारी लाशें गिरेंगी जिस पर सत्ता के गलियारों में पहुंचने का कार्यक्रम एक विशेष विचारधारा ने कर रखा है। देश के 4-5 सूबे रह गए हैं, उनकी तैयारी है, और बंगाल अभी जल्दी में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आगजनी हुई वो भी एक विचारधारा करा रही है, जो आगजनी हुई है लोग अपने घर जलवाएंगे, अपने बच्चों को फांसी लगवाने की बात कहेंगे, ये सब कुछ होगा।
आप मुझे बताइए, हनुमान जयंती पे डंडे भी खाएंगे पहनकर और दाढ़ियां लगाकर बुरखे पहनकर? हमारे दिमाग से चुनाव नहीं निकलता है अनिल बालूनी, ममता बनर्जी आई है, यही हो रहा है मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। और ये मुट्ठी भर चंडाल है, जब से ममता बनर्जी आई है मेरे देश पूरे राज्य में यही हो रहा है। मुझे शिकायत, ये फहीम बेग जब चुनाव से बाहर नहीं जा सकते हैं, शिकायत वो जब से ममता बनर्जी आई है हिंदुओं पे वहाँ अत्याचार हो रहा है और लगातार हो रहा है, और ममता बनर्जी वोटों के खातिर ये पाप कर रही है वहाँ पर, मैंने कहा ना पाप कर रही है ममता बनर्जी वहाँ पर, और जिस तरीके से हमला हो रहा है वहाँ पर बराबर दलितों का खाना खा रहे हैं। अरे इतनी भूख लग रही है, अरे याकूब मेमन का खाना खाओ, खाने की भूख नहीं, अफजल गुरु का खाना खाओ जाकर, मैंने कहा ना अफजल गुरु का खाना खाने वाले हैं, ये वोटों की भूख है, जाकिर जाकिर नायक का खाना खाने वाले, ज्ञान दे रहे हो अरुण जेटली कबाब, आतंकवादियों के समर्थक आज ज्ञान दे रहे हो, डिबेट किस पर हो रही है भाई, अरुण जेटली के कबाब खाने के ऊपर हो रही है डिबेट, आईएसआईएस का समर्थन करने वाले भाई बेग हमको ज्ञान दे रहे हो आप शांति का? मैं रुक करता हूँ टीएमसी के नेता का, खालिद इबादुल्लाह साहब, अभी आपने बोला कि मैं तो फाइम बेग देख, एनएफ इज एनएफ, यू मेड योर पॉइंट खालिद इबादुल्लाह, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला मैं तो चाहता हूँ कि सब धर्म के लोग बहुत शांति से रहें, लेकिन कैसे शांति से रहेंगे? बीरभूम के अंदर 300 हिंदू परिवार दुर्गा पूजा नहीं कर पाते, शांत बैठे रहते हैं, और कोलकाता हाईकोर्ट उनको परमिशन देता है, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? मैं बताना चाहता हूँ ये सत्य है कि नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ इस प्रदेश में खालिद इबादुल्लाह और फिरहाद हकीम और भी कई मुसलमानों ने इस प्रदेश में खासकर पूजा का पंडाल बनवाते हैं, पूजा करवाते हैं, पूजा में साथ रहते हैं, ऐसे लोग भी ममता बनर्जी तो नहीं कर रही है ना भाई? अरे मैंने तो आपको लाइव एग्जांपल दिया सर, मैंने तो आपको बताया कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला, मैंने आपको बताया बीरभूम में 300 परिवार को दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिली तो क्या बोला? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को सुनना नहीं चाहता, आप सिर्फ प्रवक्ता बीजेपी आरएसएस की बातों को सुनना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ममता क्या कह रहे हैं, मुसलमान हिंदू मिलकर पूजा करते हैं, पूजा करना भी हम समझते हैं कि एक पंडाल बनवाने का काम भी मुसलमान यहाँ करता है, हिंदू साथ में मिलकर रहते हैं, ऐसी ये प्रदेश का कल्चर है, इस प्रदेश के कल्चर को खराब करने के लिए ऐसे लोग बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं। प्रदेश का कल्चर ये है कि हनुमान जयंती पर हनुमान भक्तों को डंडे बजाते हैं, प्रदेश का कल्चर ये है कि 17 साल का बच्चा जो आपत्तिजनक पोस्ट डालता है उसको पुलिस पकड़ लेती है और भीड़ कहती है हमारे हवाले कर दो, और वहां पर लोग कहते हैं इसको फांसी की सजा दे दो। कितने ज्ञानी प्रवक्ता है टीएमसी के, कानून से बाहर नहीं है तो कानून ने तीन दिन अपना काम क्यों नहीं किया? सीआरपीएफ की चार टुकड़ियां आपने क्यों वापस कर रहे हैं? केंद्र आपको सीआरपीएफ की चार टुकड़ियां दे रहा है, बंगाल के लिए क्यों वापस कर रहे हैं? सीआरपीएफ को क्यों नहीं आने दे रहे वहाँ पर आप? वहाँ पर तीन दिन आग से नहीं होती रही आपकी नाक के नीचे, संविधान को तो आपने तार तार कर दिया, जब सबको बराबरी का हक आप नहीं देते। सच बात तो ये है, यू आर एक्सपोज्ड, योर गवर्नमेंट इज एक्सपोज्ड, यू आर एक्सपोज्ड, योर गवर्नमेंट इज एक्सपोज्ड, क्या वन साइडेड स्टैंड ले रहे हैं सर? एक बात करना चाहते हैं सर, कभी नहीं हो सकता ये वन साइडेड, कल आपकी ममता बनर्जी की बात को सुना है कि उन्होंने कहा कि आप मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दोनों पर तीन दिन तक बर्दाश्त क्यों करा? मैं बर्दाश्त कर रही है, ममता बनर्जी दंगे करवा रही है पूरे बंगाल के अंदर, आप दंगाई है ममता बनर्जी, अजय गौतम, अजय गौतम, अजय गौतम, सवाल ये है जो इस देश में आज वास्तविकता एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से, बीजेपी भी टीएमसी, मैं बहुत साफ गोई से अपनी बात कह रहा हूँ बिना किसी पार्टी के। देखो फहीम बेग इस देश के लिए खतरा हो सकते हैं, और ये जब जाकिर नायक को समर्थन करते हैं तो वो मानसिकता बिल्कुल देश के विरुद्ध है। टीएमसी जो है, टीएमसी जब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या स्टेट रॉड्स कराती है स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो वो भी इस देश के लिए खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र को जो सेंटर में पावर है जिसके पास में संविधान की धारा 353 से लेके 356 तक, बलूनी साहब जब आपके पास पावर है कि जो राज्य के नागरिक है उनकी लिबर्टी और लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस पावर को एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं भेजते आदमी वहां पर? आप क्यों नहीं 353 से 356 की पावर इस्तेमाल करके वहां पर हिंदुओं को आपने मरने के लिए छोड़ दिया? ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर, ओके लेट्स कॉल इट, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, नो नो सर।
ओके खालिद रिस्पॉन्ड, देन अनिल बालूनी। क्या कर रही है सेंट्रल में सरकार, हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है? अनिल बालूनी जवाब तैयार रखे। पहले खालिद आप बताइए क्या कहना चाहते हैं सफाई में अपनी बात की। सेंट्रल में राजनाथ सिंह ने तो कह दिया कि नहीं गलत हो रहा, ये सही है, बंगाल में कोई खराबी नहीं है, बंगाल में कोई खराबी नहीं है। और मेरी बात ही दबाई जा रही है, मुझे नारे लग रहे हैं भैया। अरे गोबेक कह रहे हो कि खराबी कोई नहीं है, घर जला दिया तुमने सब। अरे पुलिस वालों को तुम लोग मार देते हो, हम आम नागरिक की तो बात छोड़ दो, पुलिस सुरक्षित नहीं है आपके। बोलने दीजिए टीएमसी को, बोलने दीजिए टीएमसी को। पुलिस आप उत्तर प्रदेश में जाके देखे, गुजरात में देखे, आपके पुलिस आपके घरों के पीछे छुप रही है, पुलिस के आईपीएस को मारा जा रहा है। अपने राज्य का जवाब दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात आएगी वहां भी पूछ लेंगे। आप बता दीजिए जब आपके थाने में पुलिस वाले थाना। अजय गौतम नॉट फेयर, अजय गौतम अजय गौतम बात तो सुनेंगे ना उनकी। आप मैं पूरे देश की बात करता हूँ। अरे आप देश के प्रवक्ता नहीं इस समय, आप टीएमसी के नेता है जनाब। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर गलत होगा तो पश्चिम बंगाल में भी गलत हो गया क्या? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश अनिल बलूनी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो अजय गौतम ने सवाल खड़े करे, क्या जवाब है आपके? मैं बात कर रहा हूँ अजय गौतम, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों तमाशा देख रही है? देखिए अमित जी, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फोर्स भी वहां भेजी है। अब सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, भारत सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी और केंद्रीय फोर्स भी भेजी है, लेकिन ममता बनर्जी दंगा करवाने पे इतना आतुर है, फौज जो केंद्रीय जो फोर्स भेजी है उसको उपयोग कराने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे मैं एक चीज देख रहा हूँ, जिस तरह से देश के अंदर ये लोग कुछ फैशन चलाना चाहते हैं कि किस तरीके से केंद्र के सरकार को बदनाम करने के लिए कोई छोटी सी घटना हो उस पर कितना बवाल कर देते हैं। और आज ये बंगाल के अंदर कितना बड़ा सर आप हो रहा है, किस तरीके से बंगाल के आर्टिकल फहीम बेग मैं आपको इस डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। फहीम बेग, एक अक्सर एक बात कहती है, कही जाती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन यहाँ पर मजहब के नाम पर ही आपस में बैर भी हो रहा है और उस पर राजनीति भी हो रही है। आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपके लिए तो सब एक होने चाहिए, आप क्यों वन साइडेड बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं वन साइडेड बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे देश में आग लगे, चाहे हिंदू लगाए या मुसलमान लगाए, क्योंकि नुकसान इंसानियत का है, हिंदुस्तानियों का है। और जिस तरीके से सुनिए ये लोग माहौल बना रहे हैं, मेरे देश के ऊपर लांछन लग रहे हैं। पाकिस्तान हमारा नंबर वन दुश्मन, वो अपनी मीडिया में दिखाता है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। देखिए वही तो फर्क है, आप फिर वन साइडेड बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जुड़ने के लिए इस डिबेट में पार्ट लेने के लिए। अनिल बालूनी थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। अजय गौतम, विवेक अग्निहोत्री, खालिद अब्दुल्ला साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फहीम बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार को यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन छोटा सा निष्कर्ष यही है, हर किसी का भी जले, हर तो इंसान का जलता है, तो इंसानियत के लिए और उस भारत के संविधान के लिए सरकार को रक्षा सबकी करनी पड़ती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बंगाल की ममता सरकार हो। फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार।